मगर नेक्स्ट क्लास से मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन शुरू करूंगा, तो उसी लिए तो मेरा कहना है कि एक बोर्ड लेवल का मोमेंटम वाला बात आता है, थोड़ा सा हमारा मोमेंटम आ जाएगा अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी करेंगे तो पीएनसी का एक रिवीजन हो जाएगा। तो नॉर्मली प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट तुम लोग ने क्लास 10th में जो पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू, ये था टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस इन अ सैंपल स्पेस। जैसे अगर मैं बोलूं कि 3 कॉइन को मैंने टॉस किया और तुमसे बोलूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, तुम बोलोगे सर बोर कर रहे हो, क्लास 10th में हमने ये सब किया है। 3 कॉइन को जब आप टॉस करोगे तो सैंपल पेपर आपका होगा हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल 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 टेल। मगर तुम्हें 2 हेड चाहिए तो 2 हेड केवल यहीं पे आ रहा है, तो देयर आर 3 पॉसिबल फेवरेबल केसेस, और टोटल अगर केसेस तुम देखोगे तो 9 केसेस हैं, इसलिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 8 केसेस हैं तो 3/8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स इज 3/8। ठीक है, तब भी थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, 1 मिनट का, किसी को कुछ लिखना है तो लिख लो। तो मेरा एम है कि हम लोग सैंपल स्पेस लिखने में तुम लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा, सैंपल स्पेस तुम लोग लिखना जानते होगे। मेरा मेन एम है कि मैं तुम लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करा दूं, और उसके बाद कुछ डेफिनेशंस हैं। हाँ, तो वो डेफिनेशन में आएंगे, मगर पहले हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन से बेस जो प्रोबेबिलिटी होता है वो कर लेंगे। So, favorable cases है ना? Number of favorable cases, हाँ, 3 possible favorable cases है वो। Okay, sir. चलो, आगे चलूं? चलो। Two cards are drawn at random from pack of 52 cards. Find the probability of getting number one, both are red cards. Both are red cards. चलो निकालते हैं। तो जब तुमने 2 कार्ड एट रैंडम ड्रॉ किया, तो जब तुम कार्ड को ड्रॉ कर रहे हो, थोड़ा मुझे बोल सकते हो परमुटेशन या कॉम्बिनेशन क्या बोलते हो, क्या यूज करूंगा, पी या सी? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन, क्योंकि 2 ड्रॉ करो, किसी को डाउट होने से प्लीज, मैं फिर से कह रहा हूं, मुझे मेरा मेन एम प्रोबेबिलिटी नहीं है, मेरा मेन एम पीएनसी का रिविजन है, मेरा मेन एम पीएनसी का रिवीजन है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बोथ आर रेड कार्ड्स। तो इससे समझ में आ गया सैंपल स्पेस में क्या होगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस वी विल पिक 2 कार्ड्स आउट ऑफ 52। तो कितने तरीके से, 52C2। अब फेवरेबल क्या होगा, तुम्हें रेड कार्ड चाहिए, तो वी विल पिक, फेवरेबल क्या है, 2 रेड कार्ड्स आउट ऑफ कितने, 26 out of 26 red cards is equal to 26C2, तो required probability कितना हो जाएगा बोलोगे, 26C2 divided by, ये तुम्हें calculate करना होगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर तुम
स्कूल के एग्जामिनेशन में यही रखोगे तो मार्क्स कट जाएगा, तुम्हें 52 इंटू 51 कैलकुलेट करके जो वैल्यू होता है वो लिखना होगा। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलता हूँ। यहां पे छोड़ोगे मार्क्स कट जाएगा, तुम्हें इसे रिड्यूस करना होगा। एक मिनट का टाइम दे रहा हूं, लिखना है तो लिख लो। चलो आगे। यस सर। ठीक है, तो अगर ये एक सैंपल स्पेस है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फुल सैंपल स्पेस क्या होता है, मतलब कोई भी पॉइंट आ जाए, ये वन होता है। ये ए है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होगा वो होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। तो बाहर वाला ए कॉम्प्लीमेंट होता है, तो इसलिए अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट पूछूंगा तो इसका मतलब है कि मैं कहूं कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस में एन एलिमेंट्स है और ए में, अगर मैं कहूं कि ए में यहां पे इस वाले में A में तुम्हारे पास m एलिमेंट्स हैं, तो a डैश में तुम्हें मालूम है कि n माइनस m एलिमेंट्स होंगे, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a डैश डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन s। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन a डैश इज नथिंग बट n माइनस m डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन s, तो ये 1 माइनस m बाय n हो जाएगा और ये तो m बाय n है ही, तो इसका मतलब p ऑफ a कॉम्प्लीमेंट तुम्हारे पास निकला 1 माइनस p ऑफ a। ठीक है, इससे मैं कॉम्प्लीमेंट थ्योरम या इसे हम लोग मैं अपना नाम देता हूँ, इसे काउंटर मेथड मैं नाम देता हूँ। ठीक है, या कॉम्प्लीमेंट मेथड, कभी कभी कॉम्प्लीमेंट मेथड, कभी कभी ए निकालना थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएटिंग होता है तो हम लोग ए डैश निकाल लेते हैं, ये हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी देखा था। तो पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए, किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर से एक मिनट का टाइम देता हूँ। चलो आगे चलो। ठीक है, चलूं आगे। यस सर। फोर कार्ड्स आर ड्रॉन
from a pack of 52 cards. Find the probability such that at least one card is spade. अब देखो, जब मैं कहता हूं कि at least one card is spade, इसके तो बहुत केसेस हो सकते हैं कि केवल एक कार्ड स्पेड है, दो कार्ड स्पेड है, तीनों के तीनों कार्ड स्पेड हैं, चारों के चारों कार्ड स्पेड हैं। ये तो बहुत ज्यादा केसेस दे देगा। ये नहीं कि मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता हूं, कर सकता हूं, मगर ये बहुत केसेस देगा। मगर अगर ये इवेंट ए है तो ए डैश क्या इवेंट होगा? एटलीस्ट वन कार्ड इज स्पेड, नो कार्ड इज स्पेड को तो फिर ये ज्यादा आसान है ना, क्योंकि देर आर इन 52 कार्ड्स देर आर 13 स्पेड, तो रिमेनिंग 39 आर नॉन स्पेड, तो कॉम्प्लीमेंट ज्यादा आसान है। तो मुझसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन कार्ड इज स्पेड को मैं लिख सकता हूं काउंटर लगा के, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो कार्ड आउट ऑफ फोर आर स्पेड। तो तुम्हें चार कार्ड उठाना है, ये तुम्हारा तब फेवरेबल केसेस होगा। तो ये कितने तरीके से हो जाएगा तब? नो कार्ड तो 39 में से तुम नो कार्ड उठाओगे, 39 आर नॉन स्पेड, और इसमें से चार स्पेड उठाओगे, कितने तरीके से उठा सकते हो? 39C4 और टोटल तो तुम्हारे पास 52C4, खेला खत्म। किसी को कहीं भी डाउट तो प्लीज रोकोगे। सर मतलब जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्ड जितना उठा सकते हो उतना ही उठाएंगे? हाँ, मतलब तुम क्या बोल रहे हो? नहीं, वन कार्ड टू कार्ड थ्री कार्ड फोर कार्ड, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं बोला, कॉम्प्लीमेंट नहीं, ये लैंग्वेज के लिए। एटलीस्ट वन कार्ड का मतलब क्या हुआ? एक कार्ड जस्ट स्पेड होना चाहिए। नहीं, एक कार्ड, हाँ, जस्ट एक से ज्यादा भी तो एटलीस्ट है ना। यस सर। तो एक दो नहीं, मतलब वो फोर हो सकता है ना, तो हमने फोर ही लिया। ओ मैक्सिमम, हाँ, क्यों मैक्सिमम तो उतना ही होगा ना, क्योंकि तुम चार कार्ड उठा रहे हो तो। ओके सर, मतलब वो उतना ही लेना है ना, जो उतना ही, वो तो क्वेश्चन ही कह रहा है ना कि फोर कार्ड्स आर डन, ये तो स्टार्टिंग लैंग्वेज ही है मेरा। ओ यस सर, मैंने क्वेश्चन, तो उससे ज्यादा तो, हाँ ठीक है, उससे ज्यादा तो उठेगा ही नहीं। हाँ ओके सर। चलो एक मिनट का टाइम दे रहा हूं। हाँ, चलूं आगे? सर, हाँ बोल सर। लाइन नंबर 15 थोड़ा समझा सकते हैं? मतलब ये अपने डिवीजन क्यों किया, मतलब 39C4 और बाय 52C4, सर ये थोड़ा समझा सकते हैं? आराम से, क्यों नहीं समझाऊंगा यार।
नो कार्ड आउट ऑफ फोर आर स्पेड, मतलब तुम्हारे पास फेवरेबल स्पेस कितना होगा, कितने कार्ड स्पेड थे 13 कार्ड, तो तुम्हें चार कार्ड उठाना है जिसमें से एक भी स्पेड ना हो, तो वो कहां से उठेगा, इस 13 से या इस 39 से? सर 13 से। नहीं नहीं नहीं, तो ध्यान से सुनो, नो कार्ड इज स्पेड सर 39 से। 39 से, तो 39 से 39 से कितना कार्ड उठाना है, मैं अंडरलाइन भी करते जा रहा हूं उस चीज को। सर 39 से 4। अच्छा, अब टोटल कार्ड कितने थे? 52। उसमें से कितना कार्ड उठाना है? 4 कार्ड्स, 52 से 4। समझ में आया? ठीक है, चलो। प्रॉब्लम, दो मिनट को, इन अ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड बनाना, व्हाट इज द चांस दैट टू एंस डू नॉट appear adjacently, solution ek baar sum pad loge, likh loge, 30 seconds de raha hu sum likhne ke liye. In a different arrangement of all letters of word banana, what is the chance that two ends do not appear adjacently? दो तरीके से कर सकते हो, इसे डायरेक्टली काउंट भी कर सकते हो कि टू एंड्स डू नॉट अपीयर एडजेसेंटली, नहीं तो इसका काउंटर क्या होगा, बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, टू एंड्स डू नॉट अपीयर, किसी को भी डाउट होगा तो बोलोगे हाँ एडजेसेंटली का तुम लोगों ने मुझे अभी बोला, इसका काउंटर होगा कि टू एंड्स आर टुगेदर, टू एंड्स आर टुगेदर देख के कौन सा मेथड दिमाग में आता है? बंडल, बंडल, तो बंडल, बंडल मेथड, तो खेला खत्म। तो इस वाले को इवेंट ए लेता हूं और इस वाले को इवेंट ए डैश लेता हूं, सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस होगा नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन वर्ड बनाना, तो ये कितने तरीके से अरेंज हो सकता है, इसमें लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, सिक्स फैक्टोरियल, सिक्स फैक्टोरियल, ये कितने बार आया, 3 बार, एन कितने बार आया, 2 बार, फेवरेबल क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल मतलब ए डैश, ए डैश, एन ऑफ ए डैश क्या होगा, नंबर ऑफ लेटर्स वेयर टू एज ऑकर टूगेदर, टू एज या टू एंड्स कह रहा है, एंड्स वेयर टू एंड्स ऑकर्स टूगेदर, तो टू एंड्स ऑकर टूगेदर का मतलब बंडल मेथड, तो क्या करोगे, एन एन को ज्वाइन कर दोगे और बी ए ए ए, तो कितने तरीके से अरेंज, ये आपस में कितने तरीके से अरेंज हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल, एन एन ये तो एक ही तरीके से क्योंकि एन एन है, तो इसलिए ये कितना हो जाएगा, मैं जरा इनफॉर्मल, मैं थोड़ा इनफॉर्मल वे में लिख रहा हूँ रे, मैं इतना बोल रहा हूँ हाँ, क्योंकि मेरा एम पीएनसी बताना है, वो अंग्रेजी लिखाना, अंग्रेजी सिखाना मेरा एम नहीं है अभी, तो मुझे अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए तो इसे क्या लिखोगे,
वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाय क्या, नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू वन माइनस फाइव कॉम्प्लीमेंट बाय सिक्स कॉम्प्लीमेंट थ्री, तो वो निकालना तुम्हारा काम है, किसी को लिखना है तो लिख लो, खेला खत्म। सम तो लिख लिया होगा, हाँ सम तो लिख लिया होगा, बोलो। हाँ बोल सर, लाइन 23 में वो 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल नहीं होगा? और 3 फैक्टोरियल होगा, मैंने गलती किया, थैंक्स थैंक्स, x होगा ही और ये भी एक 3 फैक्टोरियल होगा, लिखना है तो लिख लो। बस एक बार रिवीजन है, उसके बाद डेफिनेशन बाद में दूंगा, देयर आर डेफिनेशन, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव क्या होता है वो सब बताऊंगा। चलो आगे, अच्छा सर ओके ठीक है, एक मिनट का टाइम दे रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। तुम आगे चलो, तो हो गया होगा, चलो आगे चलता हूँ। तो प्रॉब्लम इन अ क्लास ऑफ फाइव बॉयज एंड थ्री गर्ल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी so that, sorry, in a class of find the probability that they will sit in a row so that no two girls are together. Solution. 30 seconds. In a class of 5 boys and 3 girls, find the probability that they will sit in a row so that no two girls are together. चलो आगे चलो, क्या बोलते हो, क्या लगेगा,
नो टू गर्ल्स आर टुगेदर गैप मेथड स्पेस में नो टू गर्ल्स आर टुगेदर गैप स्पेस क्रिएटिंग जो भी बोलो तो सैंपल स्पेस में तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है टोटल तुम्हारे पास 8 persons हैं 8 persons इन अ रो रो में बिठा रहे हो कितने तरीके से 8 factorial फेवरेबल क्या होगा अब गैप मेथड में सबसे पहले क्या करोगे फर्स्ट सिट 5 boys को पहले बिठा दो 1 2 3 4 5 कितने तरीके से 5 factorial ये जो एम्प्टी स्पेस है 1 2 3 4 5 से आउट ऑफ 6 empty space 3 girls कैन बी सीटेड इन 6 P3 ways तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा रे 6 P3 divided by 8 factorial खेला खत्म किसी को लिखना है तो लिख लो आगे चलूं थोड़ा सा रुकिए 45 seconds सर वो 5 factorial इनटू 6 P3 होगा ना नहीं तू जो थ्योरी बोल रहा है वो तू ये बोल रहा है तू कह रहा है कि सर ऐसे क्यों नहीं किया आपने सेलेक्ट 5 select 3 spaces फॉर 3 girls तो वो 5 P3 नहीं होता था 5 C3 होता और दीज 3 girls इन 3 spaces तुमने जो सेलेक्ट किया है तो जो तू बोल रहा है वो हो जाता 5 C3 इंटू आया समझ में 5 P3 नहीं होता Is it okay? So, नहीं सर वो 5 factorial मल्टीप्लाई हो जाएगा ना ओ ये मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया क्या नहीं ओ सॉरी ये मल्टीप्लाई सॉरी सॉरी थैंक्स ये मैं भूल गया 5 factorial ये मैं भूल गया वो तो हो गई वो इनटू 5 factorial सॉरी मुझे लगा ये तू बोल रहा है तो कॉम्बिनेशन से भी कर सकते थे इस चीज को ठीक है इनटू 5 factorial होगा ना क्योंकि ये दो इसमें दो चीज था हां ये और फिर ये वाला हां आगे चलो सर अगर बेंचेस अगर हमको लिमिट में दे दिया जाए तो सर हाँ, अलग करना पड़ेगा ना मतलब सर मतलब सोचिए अभी सर मतलब दिमाग में कोई बेंचेस ही है सर एक बेंचेस ही है हाँ एक बेंचेस है 1 2 3 4 5 6 तो बेंचेस और बेंचेस अगर तुम्हारे पास 8 हैं तो यस सर ओ मतलब ओ तुम कैसे बिठाओगे ये नहीं बोल रहे हो अगर तुम्हारे पास 8 benches हैं और तुम्हें अल्टरनेट वे में बिठाना है तब भी तो यही हुआ ना क्योंकि जब तुम आज बंदे को बिठा लेते हो पहले तुम पेपर में ऐसा बना लो हाँ पेपर में ऐसा बना लो और उसके बाद अब नाम दे दो ये बेंच नंबर 1 है ये बेंच नंबर 2 है ये बेंच नंबर 3 है ये 4 है ये 5 है ये 6 है ये 7 है ये 8 है आया समझ में यस सर यस सर उसके बाद मतलब ये पेपर में बना के फिर बंदे को बोलो कि हाँ ये तुम वहां जाके बैठ जाओ बात बराबर है इज इट ओके यस सर चलो प्रॉब्लम चलते हैं अ कमिटी ऑफ 5 persons इज टू बी
कंस्टिट्यूटेड, सम में इतना बड़ा होता है ना, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ सिक्स जेंट्स एंड एट लेडीज. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर थ्री लेडीज एंड टू जेंट्स. 30 सेकेंड. मेरे ख्याल में ज्यादा बेटर है कुछ सम तुम लोग को ही करने दो, फिर मैं एक बार डिस्कस करूं. उससे सम लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा. देखो लिखो तो एक बार ये. आगे चलूं? Yes. क्या कह रहे हैं, 5% का तुम्हें सेलेक्ट करना है. तो सैंपल स्पेस में क्या होगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. तुम्हारे पास 6 + 8, तुम्हारे पास 4% है. तो तुम कर क्या रहे हो, तुम 5% को सेलेक्ट कर रहे हो आउट ऑफ 14 C5. फेवरेबल क्या है, तुम्हारे पास कितने लेडीज होने चाहिए, 3 लेडीज आउट ऑफ 8 लेडीज. 8 लेडीज एंड अब केवल लेडीज होने से थोड़ा ना होगा, जेंट्स भी तो चाहिए. तो 2 जेंट्स आउट ऑफ 6, तो ये हो जाएगा 8C3 × तो इसलिए मैंने कहा सम ही ज्यादा लंबा हो रहा है. और मगर समझ में नहीं आया तो बोलोगे ना, मैं फिर से कह रहा हूँ, 6C2 / 14C5. ठीक है, मतलब 30% ऑफ द पास्ट ईयर जब तुम करोगे जेई का, तो तुम देखोगे कि बोर्ड लेवल का ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के सम्स आते हैं. दोबारा अगर मैं आज वो वाला बोर्ड लेवल पढ़ाऊं तो तुम लोग बोर हो जाओगे. तो उस चीज को मैंने थोड़ा उल्टा दिया, मैंने कहा कि चलो प्रोबेबिलिटी पढ़ा देता हूं. सर हाँ बोल सर, 6P3 वेज मतलब क्या होता है, कौन सा बोलो सर? इसमें नहीं सर, प्रीवियस क्वेश्चन में सर वो थोड़ा भूल गए. मतलब 6P3 को कैसे लिखना है ये भूल गए हो या क्या सर? ने उसका मतलब क्या था 6P3? मतलब ये इसने इस तरीके से 6, मतलब तुम्हारे पास देखो, तुम्हारे पास 6 स्पेसेस है. मैंने तुम लोगों को एक बार बतवाया था कि हम लोगों ने जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किया था तो नॉर्मली ऊपर में हमारे पास हर समय ज्यादा बंदे होते थे और सजाने के लिए कम जगह होता था. मगर वी हैव प्रूव्ड इट कि अगर बेंचेस भी ज्यादा होते हैं तब भी यही वाला तरीका लगता है. तो 6P3 का मतलब है कि तुम्हारे पास अगर 6 प्लेसेस में से तुम्हें 3 प्लेसेस को सेलेक्ट करके उन्हीं के अंदर अगर तुम्हें अरेंज भी करना है. एनसीआर का मतलब क्या था, एनपीआर का मतलब था नंबर ऑफ वेज ऑफ Arranging R objects out of N. मगर ये अगर तुम ऊपर वाले क्वेश्चन में लगा दोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि वहां पे तुम देख रहे हो कि नंबर ऑफ, नॉर्मली क्या हो रहा है कि जगह ज्यादा हो जा रहा है. मगर वो फिर बोर्ड लेवल में मैंने कराया था, इसलिए मैं उस चीज को यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ. ठीक है, ओके सर. वो बोर्ड लेवल वाला तुम अगर देखोगे ना तो उसमें तुम्हें वो वाला थ्योरी मिल जाएगा. तब मैंने समझाया था कि क्यों ये 6P3 है, मतलब वो थ्योरी मैंने नीचे दे ही दिया, ये वाला, ये 6C3 × 3 × 5 इज नथिंग बट क्या, तुम्हारे पास जितना भी आउट ऑफ 6 स्पेसेस 6C3 × 3 × 3 इज नथिंग बट 6P3, यहीं से आ जाता है. चलो आगे चलते हैं सर. हाँ बोल सर. इस क्वेश्चन में सर सैंपल स्पेस में सर 14 नहीं होगा क्या? तो 14 ही तो है.
हाँ ये रहा सर, नहीं 14C5 हो जाता है वो, क्यों सर? क्यों सैंपल स्पेस में तुम्हारे पास टोटल कितने persons, कितने बंदे को सेलेक्ट करना है? पांच बंदे को, टोटल टोटल कितने में से? 14. तो वो कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो? 14C5 तो हो गया ये. हाँ अब और बोलो कहाँ डाउट है. मगर प्रोबेबिलिटी तुझे निकालना है कि तुझे थ्री लेडीज सही, तो थ्री लेडीज कितने में से होना पड़ेगा? एट लेडीज में से, तो ये 8C3 हो गया. और टू जेंट्स कितने में से होना पड़ेगा? सिक्स जेंट्स, तो ये 6C2. हाँ तो अब डाउट पूछ बोल. आया समझ में? यस सर. ठीक है सर. प्रॉब्लम इफ टू बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग थ्री रेड एंड फोर व्हाइट बॉल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑफ सेम कलर. एक बार लिख लोगे? If two balls are drawn from a bag containing three red and four white balls, find the probability that they are of same color. टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने? सेवन बोल सकते हो. सेवन, थ्री रेड है फोर व्हाइट है. तो नंबर ऑफ वेज सैंपल स्पेस में क्या होगा? नंबर ऑफ वेज सेवन सी टू ऑफ चूजिंग टू बॉल्स सेवन सी टू. फेवरेबल क्या बोल रहा है? फेवरेबल है तुम्हारे पास क्या? दे आर ऑफ सेम कलर. तो टू बॉल्स ऑफ सेम कलर में क्या क्या हो सकता है? ऑफ सेम कलर में दो पॉसिबिलिटी है क्या? एक पॉसिबिलिटी है कि बोथ बोथ आर रेड. तो ये कितने तरीके से हो सकता है? थ्री सी टू. थ्री सी टू बोथ आर रेड. और तुम्हारे पास टोटल रेड कितने हैं? थ्री रेड बॉल्स हैं. तो ये तुम थ्री सी टू वे से कर सकते हो. और बोथ आर व्हाइट. तो ये कितने तरीके से हो सकता है? व्हाइट व्हाइट बॉल कितना है? फोर है. फोर सी टू. अब ये जो ब्लू वाला केस है और ये जो ग्रीन वाला केस है, दोनों दोनों ही होगा या दोनों में से कोई एक होगा? कोई एक होगा. तो ये और का मतलब क्या था? प्लस या इनटू? प्लस प्लस मल्टीपल. तो प्लस. तो फेवरेबल केस क्या आया? 3C2 प्लस 4C2. सैंपल स्पेस क्या हुआ? 7C2. प्रोबेबिलिटी तो निकाल ही लोगे. नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बाय नंबर ऑफ, वो तुम्हारा काम है. किसी को लिखना है तो लिख लो, पूछना है तो पूछो, आराम से पूछो जो पूछना है. ठीक है, मुझे प्रोबेबिलिटी नहीं कराना है, मुझे पीएनसी कराना है. मैं फिर से बार बार ये बात कह रहा हूँ. तुम एनसीईआरटी अगर उल्टा के देखोगे तो प्रोबेबिलिटी में सैंपल स्पेस, एग्जॉस्टिव इवेंट, स्टार्टिंग में वो समझाया जाता है. मेरा मकसद आज वो नहीं है. मेरा मकसद ये है कि आज हम काउंटिंग थोड़ा सा हमारे रिवाइज हो जाए, बोर्ड लेवल वाला काउंटिंग.
और तरीका में कुछ सम बना रहा था ना। हो गया यस सर चलो दो मिनट रुको चलो मैं ही अभी कुछ सम्स करवा देता हूँ फिर उसके बाद देखता हूँ क्योंकि बाद में एक थ्योरी भी थोड़ा करवा ही दूंगा इसका ना। अब डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम जैसे एक एक चीज बता रहा हूँ हाँ यहाँ पे मैंने पहले कॉम्बिनेशन करा दिया हाँ कॉम्बिनेशन करवा दिया मतलब कॉम्बिनेशन को रिवाइज करा दिया हाँ ऊपर परमुटेशन करवाया था ये कॉम्बिनेशन है फिर यहाँ पे थोड़ा परमुटेशन रिवाइज करवाया अब डिविजिबिलिटी में आते हैं डिविजिबिलिटी वाले में प्रॉब्लम अ फाइव डिजिट नंबर इज फॉर्म बाय यूजिंग ऑल डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5 Find the probability that the number form is divisible by 4. एक बार लिख लोगे सॉल्यूशन 30 सेकेंड दे रहा हूं सम लिखने के लिए चलो फाइव डिजिट नंबर इज फॉर्म बाय यूजिंग ऑल डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5 फाइंड द प्रोबेबिलिटी तो बोलो तो सैंपल स्पेस में क्या होगा फाइव डिजिट नंबर फाइव डिजिट दिया हुआ है तो फाइव डिजिट नंबर बाय फाइव डिजिट इटसेल्फ कितने तरीके से पांचों के पांचों है इटसेल्फ तो इसे 5P5 मतलब 5 फैक्टोरियल समझ में आ रहा है यहां तक समझ में आया यस यस सर यस सर ठीक है अब फेवरेबल क्या है बोलो अब डिविजिबल बाय 4 तो डिविजिबल बाय 4 कब होता था जब लास्ट टू डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4 तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होगा बोलोगे देखो तो 12 हो सकता है लास्ट टू डिजिट ठीक है तो अगर लास्ट टू डिजिट 12 होगा तो ये तीन को कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो टोटल तो 5 था ना 3 factorial पांच में से 2 तुमने यूज कर लिया है तो इसके लिए अब तुम्हारे पास रिमेनिंग थ्री प्लेसेस और तुम्हारे पास 3 digits बाकी हैं तो वो आपस में कितने तरीके से हो सकते हैं 3 factorial तो 12 के साथ और क्या क्या हो सकता है बोलते जाओ 12, 13, 14, 15 तो होगा नहीं फिर 21, 22, 23, 24 हो जाएगा 1, 2, 3, 24 तो ये भी कितने तरीके से 3 factorial उसके बाद 24 के बाद 1, 2, 3 32 कितने तरीके से 3 factorial हाँ उसके बाद 32 के बाद 52 44 नहीं होगा सर वो रिपीट हो जाएगा समझ में आ रहा है 44 में क्या प्रॉब्लम है 4 रिपीट कर जा रहा है नहीं हो पाएगा ठीक है क्योंकि एक ही चाहिए
और उसके बाद 52, तो 52 कितने तरीके से, 3 factorial, तो 3 factorial कितने बार आया, 4 बार, तो आंसर हो गया 4 into, आगे डिवाइड तो कर ही लोगे, इसको इसको डिवाइड कर लेना, ठीक है कर ही देता हूँ एक स्टेप के लिए, क्यों बदनाम हूँ, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 4 into 3 factorial डिवाइडेड बाय, किसी को लिखना है तो लिख लो फिर आगे जाएंगे, कहीं भी डाउट है तो पूछो, पूछना तुम्हारा हक है, बताना मेरा हक है, मैंने आज मैसेज किया था किसी को पेन एंड पेपर डाउट चाहिए तो मुझे भेज दे, ठीक है अगर और है तो और भेज देना, मैं भेज दूंगा पेन एंड पेपर डाउट, ठीक है मैं 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जरा लिखो मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। चलूं आगे, थोड़ा सा रुकिए सर। हाँ बोल सर। एक ऐसा केस नहीं हो सकता कि जिसमें सिर्फ लास्ट में 4 हो, जिसमें लास्ट में सिर्फ 4 हो, नहीं मगर डिविजिबिलिटी बाय 4 चाहिए ना, तो डिविजिबिलिटी बाय 4 का कंडीशन ही था कि लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिविजिबल होना पड़ेगा, ठीक है। चलूं? यस सर। चलो तो डिविजिबिलिटी का कंडीशंस एक बार लिखा देंगे क्या, डिविजिबिलिटी बाय 3 जो था वो क्या था, डिविजिबिलिटी बाय 3 था सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3, 4 के लिए था लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 5 तो जानते ही हो कि लास्ट डिजिट जो होगा वो 0 और 5 होना पड़ेगा, डिविजिबल बाय 6 के लिए अपना कुछ नहीं था, इवन प्लस डिविजिबिलिटी बाय 3 होना पड़ेगा, डिविजिबिलिटी बाय 7 नॉट रिक्वायर्ड क्योंकि वो पीएनसी से नहीं बनता है, डिविजिबिलिटी बाय 8 लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8 होना पड़ेगा, डिविजिबिलिटी बाय 9 सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 9 होता है, और फिर डिविजिबिलिटी बाय 11 डिफरेंस ऑफ सम ऑफ डिजिट्स इन इवन प्लेसेस एंड ऑड प्लेसेस आर डिविजिबल बाय 11, ठीक है तो ये तरीका है, ठीक है तो इसके इसका प्रूफ तो कॉन्ग्रेंट मॉडुलो से आता है इसलिए इसके प्रूफ में तो नहीं जाऊंगा, तो ये रिक्वायर्ड है, लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है कभी जरूरत पड़ेगा तो ठीक है, ये तुम्हारे पीडीएफ में मिल रहेगा ही, लिखना है तो क्लास के बाद तुम लोग खुद लिख सकते हो। अब आगे चल रहा हूँ, ठीक है अब आगे चल रहा हूं, जिसका नाम है एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, और मैं इसे तुम लोग को और एक नाम दे रहा हूं, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हाँ क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग पीएनसी में से इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है, ये चीज तुम लोग जानते हो
कि तुम्हारे पास अगर दो सेट है, ये प्रूफ सेट थ्योरी में क्या गया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इन माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, लिखता हूँ बी इंटरसेक्शन ए अच्छा नहीं लगता है। अगर मैं इसे सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दूं क्या होगा, अगर सबको मैं एस से डिवाइड कर दूं तो क्या ये प्रोबेबिलिटी का लैंग्वेज नहीं हो जाएगा, कर सकते हो ना, डिवाइड बाय सैंपल स्पेस, तो ये एन ऑफ बी बाय एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, तो एन ऑफ ए यूनियन बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसे एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी कहते हैं। किसी को लिखना है तो लिख लो, कुछ सम्स करवाऊंगा। हो गया सर? यस सर। सो हो गया। हाँ चलो दो, अ कार्ड इज ड्रॉन, प्रॉब्लम लिखते हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज a 10 or a spade. Solution. 30 seconds sum likhne ke liye. A card is drawn from a pack of 52 cards. Find the probability that it is a 10 or a spade. तो अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है, वेरी गुड। तो इसमें दो इवेंट है, ध्यान से आ रहा है क्या क्या इवेंट है? फेवरेबल इवेंट दो है क्या, वो या तो क्या हो, 10 और स्पेड, या तो स्पेड हो और है, और का मतलब इंटरसेक्शन या यूनियन, यूनियन यूनियन यूनियन। तो इसमें दो इवेंट है, ए इवेंट है कि जो तुमने कार्ड ड्रॉ किया, कार्ड इज 10, ठीक है, तो हाउ मेनी 10 कार्ड्स आर देयर, 4 सूट्स होते हैं, तो देयर आर 4 10 कार्ड्स होंगे, यानी 10 कार्ड्स मतलब 10 लिखा हुआ कार्ड, तो ये डायमंड में भी होगा, ये स्पेड में भी होगा, ये हर्ट्स में भी होगा और ये क्लब में भी होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, तब एक कार्ड तुमने उठाया, तुम्हारे पास 4 10 कार्ड्स होते हैं, तो ये 4C1 मतलब डायरेक्टली एक उठा रहा हूं, तो 4 डिवाइडेड बाय टोटल कार्ड्स कितने थे तुम्हारे पास, 52, कोई भी कार्ड उठा सकते थे, 4/52, कहीं भी डाउट मुझे रोक दोगे। अब स्पेड कितने तरीके से उठा सकते हो, बी कार्ड इज स्पेड, कार्ड इज स्पेड 4, तो कार्ड इज स्पेड, देयर आर हाउ मेनी कार्ड्स, देयर आर 13 स्पेड कार्ड्स, देयर आर 13 स्पेड कार्ड्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा, 13 में से एक कार्ड उठाया डिवाइडेड बाय 52, C1 मतलब 13/52,
मगर ये मगर ध्यान से देखो, स्पेड का जो 10 होगा, क्या इसे तुमने दो बार काउंट नहीं किया? ध्यान से देखो, स्पेड का जो 10 होगा तुमने यहाँ पे काउंट किया, हाँ या ना? यस सर। स्पेड का 10 तुमने यहाँ पे भी काउंट किया, तो ज्यादा काउंट कर लिया है, तो इसलिए उसे हटाना होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कार्ड ऑफ 10 विच इज स्पेड, ये कितना होगा? स्पेड का 10 कितना होगा? एक। तो ऐसा तो वन ही कार्ड होगा, तो इसलिए एक कार्ड होगा, तो 1c1 टोटल 52c1 प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालूं ए इंटरसेक्शन बी। क्या निकालने बोल रहा है? मैंने पहले ही बोला ये इवेंट ए था, ये इवेंट बी था और है, तो क्या निकालने बोला? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, तो क्या हो जाएगा ये? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना? ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 4/52, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 13/52 माइनस 1c1 डिवाइडेड बाय 52c1। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। आगे चलूं? यस सर। ठीक है, तो कुछ डेफिनेशंस करवा देता हूं, हाँ, क्योंकि आजकल एक मार्क्स में भी आ सकता है ना, तो डेफिनेशंस भी आ सकता है। सम डेफिनेशंस, ये जब भी तुम कोई एक एक्सपेरिमेंट करते हो या इवेंट्स करते हो, ठीक है, एक्सपेरिमेंट का मतलब वो फिजिकल एक्सपेरिमेंट का बात नहीं कर रहा हूँ, मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंट्स का बात कर रहा हूँ, या कोई भी अगर इवेंट्स करते हो, तो वो दो टाइप के इवेंट्स हो सकते हैं। एक होता है जिसे तुम डिटरमिनिस्टिक इवेंट कहते हो, ये वो इवेंट हो जाए जिसका प्रोबेबिलिटी हर समय वन ही होगा या प्रोबेबिलिटी जीरो होगा, ठीक है, मतलब तुम जानते हो कि ये होना ही है या ये नहीं होना है। जैसे अगर मैं बोलूं कि सम ऑफ एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, तो क्या बोलोगे? इसका प्रोबेबिलिटी कितना है? वन। तो ये डिटरमिनिस्टिक है। इफ टुडे इज संडे, टुमारो इज वेडनेसडे, हाँ, इसका इसका प्रोबेबिलिटी कितना है? जीरो। जीरो। इसका प्रोबेबिलिटी कितना है? वन। वन। तो जिस प्रोबेबिलिटी में कोई तुम मतलब चांस का बात नहीं है, तुम जानते हो ये होता ही है, उसे डिटरमिनिस्टिक इवेंट कहते हैं। हम लोग जिस चीज में इंटरेस्टेड है ना, उसे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं, रैंडम इवेंट्स या रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे अगर मैं पूछूं कि थ्रो ऑफ अ कॉइन, एक कॉइन को मैंने थ्रो किया, हेड कम्स, तो अब ये जरूरी नहीं है कि जब कॉइन थ्रो करोगे तो वह हेड आएगा ही, उसका आने का चांस कितना है? तुम बोलोगे सर 50% चांस है। तो जिसमें
जिस इवेंट में चांस होता है कि हाँ वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वैसे को हम रैंडम इवेंट्स कहते हैं। रैंडम नाम पता चल रहा है कि तुम पहले से नहीं जानते हो कि वो होगा या नहीं होगा। क्वाड्रेटर मैंने दिया और मैं तुमसे पूछूंगी कि ये एंगल का सम निकालो, तुम निकालने का जरूरत नहीं है, तुम जानते हो ये 360 डिग्री होता है। एक कॉइन दिया, मैं बोलूंगा इसे मैं टॉस करूंगा, हेड आएगा क्या? तुम बोलोगे नहीं पता सर, टॉस करके देखिए। तो ये चीज समझ में आ गया होगा तुम्हें रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है। अब जब तुम एक रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसमें कुछ इवेंट्स होता है, जैसे अगर थ्रो ऑफ अ कॉइन करते हो, ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, बस मैं एक बार क्योंकि बोर्ड लेवल में पढ़ा रहा हूं तो एक बार करवाते हुए निकल जा रहा हूं। हाँ, क्योंकि ये जब तुम एक इवेंट करते हो तो उसके उसके कुछ रैंडम एक्सपेरिमेंट्स करते हो तो उसके कुछ एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि थ्रो ऑफ अ कॉइन के आउटकम्स क्या क्या हैं, थ्रो ऑफ अ कॉइन के आउटकम्स क्या क्या हैं, हेड और टेल, तो दीज आर नोन एज एलिमेंट्री इवेंट्स। इस एलिमेंट्री इवेंट्स के कलेक्शन को जब तुम कलेक्ट करते हो उसे तुम सैंपल स्पेस कहते हो, जो तुम लोग लिखते हो कि तुमने टू कॉइन टॉस किया। ज्यादा बोर नहीं करूंगा, थोड़ा देर तक बस एक बार बता देता हूं कि हेड हेड आ गया, हेड टेल आ गया, टेल हेड आ गया, टेल टेल आ गया, तो इसे सैंपल स्पेस कहोगे। तुम बोलोगे सर क्या बेवकूफ वाला बात है, आपने ऑलरेडी वो करवा दिया। मैं जानता हूं कि क्लास 10 में तुम लोग ये चीजों को जान 10 में ये पढ़ के आए हो, ठीक है, मगर बस एक बार थोड़ा सा बता दूं। तो क्वेश्चन में ऐसा कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि वी थ्रो अ डाई एंड अ कॉइन राइट सैंपल स्पेस, क्या क्या होगा? जब तुमने एक डाइस को थ्रो किया तब इसका सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता था? 1, 2, 3, 4, 5, 6। मगर साथ में तुमने कॉइन भी थ्रो किया, हेड और टेल, तो अगर मैं इसका सैंपल स्पेस बोलूं तो वो हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4। नॉर्मली ये मत लिखना, तुम बोलोगे सर क्यों, क्योंकि ऑर्डर मेंटेन रखना, पहले क्या बोल रहा है, थ्रो अ कॉइन, तो 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, 4 हेड, 5 हेड, 6 हेड, वैसे ही क्या हो सकता है, 1 टेल, 2 टेल, 3 टेल, 4 टेल, 5 टेल, 6 टेल, देयर आर कितने इवेंट्स, 12 इवेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से कभी तुम्हें पूछा जा सकता है। अब आगे चलते हैं, तो सपोज मैंने दो कॉइन टॉस किया तो मुझे हेड हेड मिला, हेड टेल मिला, टेल हेड मिला और टेल टेल मिला। अगर ए सबसेट ऑफ एस है, बी सबसेट ऑफ एस है, सच दैट ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट है, तब हम कहते हैं ए एंड बी आर क्या, कोई बोलेगा क्या, टेंथ में देखे थे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तुमने ए ऐसा, जैसे अगर मैंने ए को ले लिया हेड और हेड, बी को ले लिया टेल और हेड और टेल टेल, तो क्या बोलते हो, क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है? हाँ, ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट है, तो ये क्या हुआ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। अब तुमने वैसे ही ए को एस का सबसेट लिया, बी को एस का सबसेट लिया, सच दैट ए यूनियन बी पूरा का पूरा एस हो जाए, तब उसे कहते हैं ए बी आर एग्जॉस्टिव। और एक मार्क्स में आ सकता है रे तुम लोग का, हाँ आज इस बार ऑब्जेक्टिव ही हो रहे हैं, हाँ तो एग्जॉस्टिव, तो क्या ये एग्जॉस्टिव है, हाँ या ना, बोलो ना, नहीं, क्योंकि ए यूनियन बी। अब ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे पास ए यूनियन बी सैंपल स्पेस हो जाए और ए इंटरसेक्शन बी फाई हो जाए, ऐसा होने से इसे कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तुम बोलोगे सर लिखने का टाइम नहीं दिया, जरूरत नहीं है, हाँ वो एक बार देख लेना इसमें, हाँ या एनसीईआरटी पढ़ के देखोगे तब भी हो जाएगा। हाँ,
तो ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है हाँ, मगर इसे हम लोग बाद में करेंगे, अभी हमें जरूरत नहीं है। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, एम्प्टी सेट जीरो। और अगर ए यूनियन बी पूरा का पूरा एस है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, बोलो। ठीक है, तो इस रिजल्ट को थोड़ा याद रखना। ठीक है, किसी को ये लिखना है तो लिख लो, यही वाला लिख लो, और लिखने का जरूरत नहीं, क्योंकि जरूरत तो इसी का पढ़ने वाला है। ऊपर वाला डेफिनेशन जब आएगा तो मुझे इतना मालूम है कि इतने बुद्धिमान तुम लोग हो कि वो डेफिनेशन वाले सम्स को आराम से कर लोगे, उससे पंगा नहीं है। ये लिखना है तो लिख लो। तो क्या हुआ, इससे मैंने क्या हुआ, थोड़ा सा तुम लोगों को मैंने अभी डेफिनेशन बता दिया। आप बोलते जा सर, एग्जॉस्टिव वाला पार्ट समझ नहीं आया। नहीं, एग्जॉस्टिव का मतलब पूरा का यूनियन सैंपल स्पेस होना चाहिए। सपोज मेरे पास सैंपल स्पेस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, वो तीन तीन चार सेट में भी हो सकता है। 1, 2, 3 ए है, बी मेरे पास 4, 5, 6 और 4, 5, 6 है, और सी मेरे पास 5, 6, 7 है। तो ध्यान से देख, ए यूनियन बी यूनियन सी क्या एस हो रहा है? हाँ सर। तो तुम बोलोगे ए बी सी, ये मिला के ए बी सी आर एग्जॉस्टिव, ये तीनों। ठीक है सर। मगर क्या ए यूनियन बी एस हो रहा है? नहीं सर। इसका मतलब ए एंड बी आर नॉट एग्जॉस्टिव। अब एक्सक्लूसिव में आते हैं, ए इंटरसेक्शन बी क्या एम्प्टी सेट हो रहा है? यस सर। एक मार्क्स का सम ऐसे ही आएगा, मतलब उसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑब्जेक्टिव में। तो क्या बोलोगे, ए एंड बी आर एक्सक्लूसिव, और बी इंटरसेक्शन सी क्या एम्प्टी सेट हो रहा है? नहीं सर। 5, 6 तो बोलोगे बी एंड सी आर नॉट एक्सक्लूसिव। आया समझ में जिसको डाउट था? ठीक है, अगर यूनियन पूरा का पूरा सैंपल स्पेस हो जाता है तो तुम उसे एग्जॉस्टिव कहोगे। इज इट ओके सर? हाँ बोलते जा सर। म्यूचुअली सर, वो आपने और कंडीशन बताया था ना सर, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सटेंसिव और एग्जॉस्टिव। उसमें ऐसा होना पड़ेगा कि ए यूनियन भी एस होना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन भी फाइ होना पड़ेगा। सर उसका एग्जांपल दे दीजिए। जरूर दे देते हैं। सपोज तुमने टॉस किया, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल आया। तो ए ए में तुमने सपोज हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड दिया, तो बी में तुम वो दोगे जो ए में नहीं है और एस में बच गया, तब ए यूनियन बी क्या हुआ? एस। एस। और ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ? एम्प्टी सेट। तो तुम बोलोगे ए एंड बी आर म्यूचुअली, समझ में आया? एग्जॉस्टिव। अब मैं और एक चीज बोलता हूं, इसका और एक नाम है, इसे पार्टीशन ऑफ सेट भी कहा जाता है। क्योंकि इसका मतलब हुआ कि अगर ये मेरे पास सेट एस है, इसको मैंने ए ए ले लिया, इस वाले को बी ले लिया और इस वाले को सी। तो देखो, अगर कलर कोडिंग में मैं बोलूं, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है और ये मेरा सी है। तो मुझे बोलो ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, क्या होगा? किसी को भी जब तुम इंटरसेक्ट करोगे, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, सब फाइ। मगर जब ए यूनियन बी यूनियन सी करोगे तो एस। एस, दिस इज नोन एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। आया समझ में जिसको डाउट था? ठीक है, तो इस टाइप से तो कुछ भी है नंबर दे सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। एस का नंबर दे दो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ए में दे दो 1, 2, इसमें दे दो 3, 4, इसमें दे दो 5, 6, खेला खत्म, कुछ भी दे सकते हो। चलो तो आगे चलता हूँ। हाँ, तो ये डेफिनेशन बात खत्म होता है यहाँ पे, तो स्कूल में आ सकता है। ठीक है, आने से फिर बोलोगे सर आपने करवाया नहीं, मगर मैंने ये लिखने का टाइम नहीं दिया। ठीक है, मैं बार बार लिख देता हूँ, अगर डेफिनेशन सी बुक, क्योंकि उसमें भैया अंग्रेजी ज्यादा अच्छे तरीके से दिया रहता है। चाहिए तो मैं आज जो जो मटेरियल भेजूंगा उसमें डेफिनेशन लिख के भेज दूंगा।
ठीक है, ताकि तुम ये ना बोलो कि सर बुक आपके मटेरियल में नहीं था, मेरे मटेरियल में भी आ जाएगा। कमिंग बैक टू द काउंटिंग प्रॉब्लम, काम यहाँ पे खत्म होता है, फिर से हम काउंटिंग प्रॉब्लम्स में आते हैं। काउंटिंग प्रॉब्लम्स तो हमने खत्म किया था, जिसका नाम था एडिशन इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो फिर से उसी में आता हूं मैं, प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम। द प्रोबेबिलिटी दैट अ कॉन्ट्रैक्टर विल गेट अ प्लंबिंग कॉन्ट्रैक्ट इज 2/3 एंड एन इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट इज 4/9। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग at least one contract is 4/5, find the probability that he gets both the contract. सम लंबा होता है इसमें थोड़ा सा, हाँ contract सम लंबा है, 30 सेकेंड दे रहा हूं लिखने के लिए, लिखना है तो लिख लो। आगे चलो, द प्रोबेबिलिटी दैट, सुनने में आ रहा है? यस सर। द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉन्ट्रैक्टर विल गेट प्लंबिंग कॉन्ट्रैक्ट इज 2/3। तो प्लंबिंग कॉन्ट्रैक्ट का नाम ए दे रहा हूं, हाँ ऑलरेडी अंग्रेजी में तुम लोगों ने बहुत कुछ लिखा है, तो मैं ए को प्लंबिंग, जस्ट प्लंबिंग, प्लंबिंग लिख रहा हूं, तुम्हें समझ में आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2/3 है। इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट को बी में इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू तुम ऐसा नहीं लिखोगे एग्जाम में, हाँ एग्जाम में थोड़ा सजा के लिखोगे 4/9, मालूम चला कि सर ने भी शॉर्टकट मार्क्स दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इफ ये ग्रीन वाले का, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन कॉन्ट्रैक्ट इज 4/5, एटलीस्ट वन क्या मतलब हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ, कोई बोलेगा, एटलीस्ट वन यूनियन या जरा सोचो ना, एटलीस्ट वन का मतलब क्या हुआ, या तो ए में हो या तो बी में हो, है या नहीं, ए यूनियन एटलीस्ट वन का मतलब क्या हुआ, जो इवेंट है ये इवेंट, ये ब्लैक वाला इवेंट एटलीस्ट ए और बी में है या नहीं, हाँ या ना, हाँ सर, ये ग्रीन वाला इवेंट हाँ है, और ये ब्लू वाला इवेंट हाँ है, तो किसी में भी हो सकता है। तो पी एफ ए यूनियन बी कितना दिया हुआ है, 4/5, तुमसे ये पूछ रहा है, ये ब्लू वाला ऑफ गेटिंग बोथ, बोथ का मतलब इंटरसेक्शन, बोथ का मतलब ये वाला पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, ये मतलब पूछ रहा है कि पी एफ ए इंटर, तुम भी बोलोगे सर क्या बोर कर रहे हो आप,
इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो तुम बोलोगे सर ठीक है निकाल लो पी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या था, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ क्या ए इंटरसेक्शन बी, वैल्यू डाल देना आंसर आ जाएगा। किसी को लिखना है तो लिख लो, 45 सेकंड दे देता हूं लिखना। आगे चलूं? यस सर। चलो तो डी मॉर्गन्स लॉ यहां पे भी लगता है। डी मॉर्गन्स लॉ क्या था, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होने से, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। प्रॉब्लम इफ probability of A is 1/4, probability of B is 1/2, probability of A and B is 1/8, find probability of not E and not F. चलो sorry not A and not B solution एक बार लिख लोगे, 30 सेकेंड दे रहा हूं। चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो क्या क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 1/4, वेरी गुड, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 1/2, वेरी गुड। इसका मतलब क्या हुआ रे, इंटरसेक्शन ए एंड बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 1/8, क्या निकालने बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी, ये नंबर वन है इसका। हाँ नॉट ए एंड नॉट बी, नॉट ए का मतलब ए कॉम्प्लीमेंट एंड नॉट बी का मतलब इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो डी मॉर्गन्स लगाओगे तो इसे क्या लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब तुम जानते हो कि किसी भी इवेंट का कॉम्प्लीमेंट को तुम लिख सकते हो 1 - P of E, तो पी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख सकते हो, पी ऑफ, ध्यान से देखते जा रहे, और ए यूनियन बी का फॉर्मूला भी तुमने देखा था क्या, पी ऑफ ए प्लस P of B minus P of A intersection B, सबका वैल्यू पता है, हाँ 1 - P of A 1/4, P of B 1/2, P of A intersection B 1/8, लिखना है तो लिख लो फिर आगे चलेंगे। आगे चलूं? चलो कभी कभी वेन डायग्राम भी यूज करोगे, कभी कभी वेन डायग्राम भी यूज करोगे। वेन डायग्राम कब यूज किया जाता है ये बताता हूं।
सपोज इसी समय मैं बोलूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो तुम अगर ये लेते हो, ये ए है और ये बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ए में हो मगर बी में ना हो, तो कौन सा रीजन, रीजन नंबर वन, रीजन नंबर टू या रीजन नंबर थ्री? रीजन नंबर वन। तो अगर रीजन नंबर वन है तो फिर इसे क्या, इसे कुछ लिख सकते हो क्या? हाँ, इस पूरे का तो प्रोबेबिलिटी मैं जानता हूं P of A, मगर इसमें से मुझे क्या नहीं चाहिए, ये पोर्शन नहीं चाहिए, तो ये पोर्शन हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, हटा दो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तुमने तो ऊपर दिया ही हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तुम्हारे पास 1/4 था, तो ये 1/4 माइनस 1/8, किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। इसे एक्सक्लूसिव ए भी कहा जाता है, एक्सक्लूसिव ए कभी कभी, हाँ बहुत रेयरली यूज होता है, पुराने किताबों में यूज होता था, आजकल नहीं होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सक्लूसिव ए, आगे चलूं? थोड़ा रुको, ठीक है, तो तुम मुझ मैं आ रहा हूं 30 सेकंड में, लिख लो। आगे चलूं? यस सर, यस सर। एन इंटीजर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम the numbers ranging from 1 to 100, both inclusive. Find the probability that number is divisible by either 2 or 3. Solution. An integer is chosen at random from the numbers ranging from 1 to 100, both inclusive. Find the probability that number is divisible by either 2 or 3. Either 2 or 3. 1, 2 से लेके 100 तक, तो सैंपल स्पेस में तो चूज एनी वन नंबर कितने तरीके से? हंड्रेड वेज। आप बोलो ये यूनियन का केस है या इंटरसेक्शन का केस है जिससे सर्कल किया है मैंने? यूनियन। तो सपोज ए है डिविजिबल बाय टू, नंबर डिविजिबल बाय टू, वो अच्छे से लिख लेना, डिविजिबल बाय टू समझ में आ रहा होगा। तो इसमें जो तुम्हारा सैंपल स्पेस है वो है 2, 4 से लेके 100 तक, तो इसमें 50 एलिमेंट्स हैं, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो हो जाएगा 50 में से कोई एक एलिमेंट, 100 में से कोई एक एलिमेंट, तो 50/100। बी डिविजिबल बाय 3, कितने नंबर्स होते हैं? 3, 6 से लेके 99 तक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा? 33C1/100C1, तो कितना? 33/100। और A इंटरसेक्शन B क्या होगा?
लेना होगा ना, देखो ना सिक्स तुमने दोनों में यूज चूज कर लिया है, क्या है ए इंटरसेक्शन भी मतलब नंबर डिविजिबल बाय टू एंड थ्री, तो टू एंड थ्री का मतलब डिविजिबल बाय इसका एलसीएम, क्या डिविजिबल बाय एलसीएम ऑफ टू एंड थ्री, बात तो बराबर है, तो डिविजिबल बाय सिक्स, तो डिविजिबल बाय सिक्स कहां से कहां तक होगा, डिविजिबल बाय सिक्स ट्वेल्व कहां तक जाएगा, 96 तक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, यार कहीं डाउट है तो बोलोगे, हाँ 16C1/100C1, हाँ तो मुझे क्या चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, कहीं भी डाउट है तो मुझे बोलोगे सर ये समझ में नहीं आया, इसका एक असाइनमेंट शीट आज ही भेज दूंगा कर लेना, हाँ लिखना है तो लिख लो। चलो आगे थोड़ा सा रुकिए, ठीक है रुक जाता हूँ 45 सेकंड के लिए। आगे चलूं? यस सर। चलो शुरू करो 1 2 3 4 5 बताओ आंसर्स क्या होगा, थोड़ा थोड़ा तुम भी कर लो। फर्स्ट का आंसर सुनने में आ रहा है? यस सर। ठीक है सर सी, फर्स्ट का आंसर सी, किसी को डाउट है? टू एसेस, नंबर ऑफ एसेस कितने होते हैं? फोर। नंबर ऑफ एसेस फोर होते हैं, तुमने दो कार्ड ड्रॉ किया, अब ये सब ऑब्जेक्टिव सम है, यहाँ पे डायरेक्टली कॉन्सेप्चुअली करोगे, लिखने का जरूरत नहीं है ज्यादा, क्या बोल रहे हो तब? 4C2 डिवाइडेड बाय कितना? 52C2, तो ये क्या हो जाएगा? 4C2 क्या था? 4 into 3,
डिवाइड बाय 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 52 के लिए क्या था, 52 into 51 करके देख लेना जो होगा, नंबर वन। नंबर टू, सर डी होगा क्या? सर डी, डी ठीक है। नंबर टू, टू में किसी को डाउट है? टू कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम टू हर्ट्स, टोटल नंबर ऑफ हर्ट्स कार्ड्स कितने होते हैं? सॉरी मैंने गलती लिखा, कितना? 13। तो दो कार्ड उठाया तो कितना, 13 सी टू डिवाइड बाय कितना, 52 सी टू। 13 सी टू का मतलब क्या हो गया, 13 इंटू 12, 52 का मतलब क्या हो गया, 52 इंटू 51, 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा। थ्री का ए है क्या? रुक जा, मेरे पास आंसर नहीं है, मुझे देखना होगा। थ्री का, व्हेन टू बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ बैग ऑफ क्या, टू व्हाइट फोर रेड, टोटल कितने बॉल्स हैं, 6 4 10 12, टू बॉल्स ड्रॉन है तो ये क्या हो जाएगा, 12 सी टू, और ऊपर क्या है, बोथ आर रेड, तो रेड बॉल्स कितने हैं, 4, तो कितने तरीके से बोलो, 4 सी टू 12 सी टू। डाउट कहीं पे है तो बोलोगे रे, मतलब उससे पहले करना होगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, मतलब वो जो एक करने का जो एक खुशी होता है वो होना पड़ेगा तुम्हारे अंदर, हाँ कि तुम ट्राई कर रहे हो, नहीं करोगे तो फिर वो खुशी नहीं मिलेगा। वन गया, किसी को डाउट है अभी 1 2 3 में? टॉसिंग ऑफ टू हेड्स व्हेन टॉसिंग 5 कॉइंस, फाइव कॉइन्स को जब टॉस करोगे तो सैंपल स्पेस में कितने जगह होंगे? फाइव कॉइन को जब टॉस करोगे तो सैंपल स्पेस में कितने, 5 कॉइन्स को तुमने टॉस किया, ध्यान से देखो, हाँ 1 2 3 4 5, तो हेड टेल कहीं भी आ सकता है, हेड टेल हेड टेल हेड टेल, तो टोटल 2 2 2 2 2, तो सैंपल स्पेस में कितने जगह हो गए, 2 to the power 5, मतलब कितना, 32। तो मैं किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है बोलो, टू हेड्स, तो ऐसे कितने वेज होंगे कि तुम्हारा आउटकम 2 हेड और 3 टेल को लेके हो, ऐसा तो कुछ भी हो सकता है ना, हेड टेल हेड टेल 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 हेड टेल हेड, तो ऐसे कितने होंगे, मतलब दिस इज नथिंग बट दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ Arrangement of two head and क्या? Three tail, कितने तरीके से? 5 factorial by 2 factorial into 3 factorial, मतलब 5 into 4 into 3 into 2 divided by 2 into 3 into 2, तो 3 2 3 2 cancel करो, तो 5 2 10, तो answer 10 by 32, मतलब 5 by 16। किसी को डाउट है तो बोलो, किसी को डाउट है, दोबारा मैं कह रहा हूं, एक लिखना है तो ये क्वेश्चन लिखने का टाइम भी दे रहा हूं तुम लोग को, हाँ ये क्वेश्चन लिखने का टाइम भी दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने नहीं कराया था, तो इसलिए ठीक है, ये लिखने का टाइम भी दे रहा हूँ, उसके बाद मतलब आपने लेटर की तरह करा, हाँ बोलो, हाँ सर आपने मतलब वर्ड की तरह करा, हाँ मैंने वर्ड की तरह, मेरा कहना है कि
अरे होगा क्या, होगा तो वही चीज ना, मतलब हो क्या रहा है, जब तुम टॉस कर रहे हो, जब तुम टॉस कर रहे हो तो टॉस वन, टॉस टू, टॉस थ्री, टॉस फोर, टॉस फाइव। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे हेड हेड टेल 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 ऐसे करके कितना आ सकता है, तो यही पूछ रहा है ना। तो हेड टेल 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 है, तो ये काउंट मैंने करके देख लिया कितना है। तो किसी को लिखना है तो लिख भी सकते हो ये सम। मैं एक मिनट मैंने टाइमर लगा दिया। हाँ बोलो। इसमें परम्यूटेशन लगा सकते हैं। कहाँ पे लगाओगे परम्यूटेशन, किस में बोलो? ये जो अरेंजमेंट करा अपन ने 2H और 3T के, तो ये तो परम्यूटेशन ही है। हाँ ये तो उसी से आता था। मैथमेटिक्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, वही वाला है ना। टोटल टोटल तुम्हारे पास कितने लेटर्स हैं यहाँ पे, टोटल तुम्हारे पास लेटर्स कितने हैं? फाइव। उसमें से H कितने बार आया है? टू। तो इसलिए 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। टेल कितने बार आया? 3। तो ये परम्यूटेशन विद रिपीटेशन था। हाँ सर। किसी को लिखना है तो लिख लो, मैं फिर से कह रहा हूँ रिपीटेशन। उसके नीचे वाला देख लो। लास्ट सम, हाँ मैं नीचे अच्छा हूँ, पर अगर लिख भी लिया होगा तो ठीक है। लास्ट सम को फिर से एक बार ले आता हूँ क्रॉप करके, क्योंकि हो सकता है कि लास्ट सम भी मुझे थोड़ा कराना पड़े। मगर तब भी किसी का आंसर आया है कुछ? सर डी। आंसर डी। चलो, द प्रोबेबिलिटी दैट फैमिली हैज फोर चिल्ड्रन, अगर चार चिल्ड्रन है तो एक दो तीन चार, या तो बॉय होगा या तो गर्ल होगा, या तो बॉय या तो गर्ल, या तो बॉय या तो गर्ल, या तो बॉय या तो गर्ल। सैंपल स्पेस में कितना जगह हो गया? 2 to the power 4, क्या 16। मुझे बोलो एटलीस्ट वन बॉय का ऑपोजिट क्या होगा? नो बॉय। नो बॉय। तो नो बॉय वाला केस कितना हो जाएगा? इसका काउंटर हो जाएगा ऑल आर गर्ल्स, होगा या नहीं? यस सर। और गर्ल्स कितने तरीके से हो सकता है? एक तरीके से कि सबके सब गर्ल्स हैं, तो एटलीस्ट वन बाय कितने तरीके से हो जाएगा तब? सो वन माइनस वन बाय 16। टोटल 16 था, तो हैंस ये 15 वेज से हो सकता है एटलीस्ट वन बाय। तो ये तुम्हारा फेवरेबल है, ये 16। आंसर क्या आया? 15 बाय 16। काउंटर भी लगा सकते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, एटलीस्ट वन बॉय इज वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल आर गर्ल। ऑल आर गर्ल का मतलब तो सबके सब गर्ल ही होने पड़ेंगे, तो पहला वाला भी गर्ल, दूसरा वाला भी, तीसरा वाला भी, चौथा वाला भी, डिवाइडेड बाय 2 × 2 × 2 × 2 इज इक्वल टू 1 − 1/16 इज इक्वल टू 15/16। ये भी किसी को लिखना है तो लिख लो, मैं एक मिनट का टाइम दे रहा हूँ।
चलो आगे चलो. यस सर. चलो अब ये सेट ऑफ फाइव सम्स है. ये नहीं. अरे क्या हो रहा है. दो मिनट को चलो. 1 2 3 4 5 ट्राई करो. तो ए है क्या फर्स्ट का? ए 53 संडेस. चलो सबका आया क्वेश्चन नंबर 1. 53 संडे में मतलब क्या होता है? लीप ईयर में टोटल लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 366 डेज. तो अगर तुम 366 को 57 से डिवाइड करोगे तो 52 क्वोटेंट आता है. तो इसलिए 52 क्वोटेंट आने के कारण 52 वीक्स और एक डे बाकी, दो डे बाकी होता है ना. Yes. टू डेज बाकी रहेगा. टू डेज. अब ये टू डेज क्या क्या हो सकता है? ये टू डेज तुम्हारे पास हो सकता है क्योंकि ये तो कंजिकेटिव ही होगा. संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे संडे. मैं दोबारा बोल रहा हूं सुनो. 366 को अगर तुम डिवाइड करोगे 7 से तो ऊपर 52 आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा. तो ये एक्स्ट्रा बच जाता है. मतलब 52 वीक्स तो होंगे ही क्योंकि 52. अब ये किसी को डाउट है तो पूछोगे. हाँ, और ये दो एक्स्ट्रा दिन क्या क्या हो सकता है? वो संडे और वेडनेसडे तो नहीं हो सकता, कॉन्जिक्यूटिव होना पड़ेगा. तो अब मुझे क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ लीप ईयर है 53 संडेज. तो 53 संडेज का मतलब क्या हुआ? ये एक फेवरेबल केस है. और Saturday, Sunday. और सैटरडे संडे. तो टोटल तुम्हारे पास इस वाले में तुम देखो तुम्हारे फेवरेबल केसेस कितने हैं. 52 वीक्स होना सर्टेन है. 52 वीक्स रैंडम नहीं है, ये सर्टेन इवेंट है, डिटर्मिनिस्टिक इवेंट है. ये तो होगा ही. मतलब 52 संडे में 52 संडे तो होगा ही प्लस ये दो केस होना चाहिए. तो ये दो केस होना चाहिए. टू आउट ऑफ कितना पॉसिबिलिटीज था? 1 2 3 4 5 6 7. तो 2/7 आंसर 2/7 भी आएगा. किसी को देखना है तो देख लो, सेकंड सब में जा सकते हो. किसी को लिखना है तब तक ये लिख भी सकते हो. डेढ़ मिनट का एक टाइम दे रहा हूँ. पूछना किसी को डाउट है तो पूछो मुझसे, पूछो. मैं फिर से कह रहा हूँ, किसी को डाउट है तो मुझसे पूछो कहीं भी. चलो
सेकंड वाले का आया किसी का? सेकंड का कुछ आया किसी का? छोटा छोटा आ जाता है ना, मैं ये सेकंड और थर्ड बोलो मुझे, फिर आगे चलते हैं। सर सेकंड का नहीं। सेकंड, फाइव इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, फाइव इंजीनियरिंग बुक, फोर मैथमेटिक्स बुक्स, टू केमिस्ट्री बुक्स आर प्लेस ऑन अ सेल्फ। कितने तरीके से प्लेस कर सकते हो सैंपल स्पेस में? फाइव प्लस फोर नाइन, टेन, अलेवन, अलेवन फैक्टोरियल। सच दैट बुक्स ऑफ इच काइंड आर ऑल टूगेदर। क्या दिमाग में आता है, कौन सा मेथड? बंडल। बंडल तो फाइव का बंडल करो, एम का बंडल करो, सी का बंडल करो, तो ये क्या क्या होगा? इनसाइड बंडल कितने तरीके से अरेंज हो सकता है? फाइव फैक्टोरियल, फोर फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल, वो वन नहीं होगा। फाइव इंजीनियरिंग अलग अलग किताबें हैं, हाँ, और ये तीन बंडल आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? तो इसलिए फेवरेबल जो होगा वो क्या हो जाएगा, फाइव इंटू फोर इंटू टू। तुम बोलोगे सर टाइम यही निकालने में लगता है, वो तो ठीक है लगेगा ही, वो तुम्हारा काम है निकालना, वो मेरा काम नहीं है। टू फैक्टोरियल इंटू थ्री फैक्टोरियल बाय इलेवन, इलेवन फैक्टोरियल बाय फाइव फैक्टोरियल, फोर फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल नहीं होगा। नहीं नहीं, वो जब इंजीनियरिंग सेम किताबें नहीं कह रहा, जब इंजीनियरिंग बुक्स कह रहा है तो हम मान के चल रहे हैं कि इंजीनियरिंग पार्ट वन है, इंजीनियरिंग पार्ट टू है। आया समझ में? इज इट ओके? नहीं, मैं फिर से कह रहा हूँ कि ऐसे सम का मतलब होता है कि इंजीनियरिंग बुक्स जो होते हैं वो प्रिजुडाइज मत रख कि सर मैंने जो सोचा वो क्यों गलत नहीं है। कॉमन कन्वेंशन है कि अगर फोर मैथमेटिक्स किताब कह रहा है तो चार मैथमेटिक्स किताबें होंगे, एक एल्जब्रा का किताब है, एक कैलकुलस का किताब है, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का किताब है और एक ट्रिग्नोमेट्री का किताब है, तो इसे डिवाइड क्यों करोगे? सब तो किताबें अलग अलग है, ठीक है? मतलब जैसे जब तुम लोग को मैं जब इससे पहले जब मैं सम्स करा रहा था, थ्री रेड बॉल और फोर ब्लैक बॉल, तब तो तुम लोग डायरेक्टली ये नहीं करते थे कि फोर प्लस थ्री उठाते थे, तीन रेड बॉल को आइडेंटिकल रेड बॉल तो मानते नहीं थे। तो ये कॉमन कन्वेंशन है, जब दिया नहीं रहता है तो एवरीथिंग इज डिस्टिंक्ट। इज इट ओके? तो देयर आर फोर डिफरेंट मैथमेटिकल, फाइव डिफरेंट इंजीनियरिंग एंड टू डिफरेंट केमिस्ट्री। ये देने से ज्यादा क्लियर हो जाता, मगर किताबों में नहीं दिया रहता क्योंकि ये किताबों से ही मैंने फोटो खींच के तुम्हें मैं करवा रहा हूँ, ठीक है? तो मेरे देने से कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है क्योंकि तुम्हें किताबों से सम करना है, वो करके देख लेना, आ जाएगा नंबर टू। फोर बॉयज एंड सिक्स गर्ल्स सीट, राउंड टेबल वाला याद है क्या था? राउंड टेबल, अरेंजमेंट इन राउंड टेबल। अगर एन ऑब्जेक्ट्स को राउंड टेबल में बिठाना चाहते हो, तुम्हारे पास एन पर्सन है सपोज, किसी को याद है, कोई बोलेगा? n persons in a round table can be seated in how many ways? n minus 1 factorial ways. हाँ, इस चीज को याद रखना, एक बार revise कर लेना। हाँ, next class entrance table करवाऊंगा तब circular permutation करवाया था। हाँ, थोड़ा सा permutation, ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट क्लास एक सम भी नहीं कराऊंगा, एंट्रेंस में एक दो सम करवाऊंगा, ठीक है? परमुटेशन में मैं पहले शुरुआत तो यहीं से करूंगा कि कुछ पास्ट ईयर सम्स तुम्हें करवा के दिखाऊंगा कि बोर्ड लेवल में कितने सम्स आते हैं, फिर उसके बाद एंट्रेंस में जाऊंगा। तो चलो वो वाला सम करके देखते हैं क्या सम मेरे पास था। ये सम है, नए पेज में लेके जाता हूँ तो ज्यादा बेटर है, नए पेज में ले जाता हूँ तो मैं भी कर पाऊंगा अच्छे से क्रॉप। मेहनत करना इंपॉर्टेंट है। मेहनत करना, जानते हो, लिखना है तो लिखो, मैं आ रहा हूं दो मिनट में। चलो
किसी का आंसर आया? सुनने में आ रहा है? यस सर। यस सर। क्या बोल रहा है? सिक्स बॉयज एंड फोर गर्ल्स सीट इन अ राउंड टेबल, सैंपल स्पेस में कितना जगह होगा? कोई बोलेगा? 9 फैक्टोरियल। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस बंदे को बिठाना है चेयर में, तो 10 - 1 9 फैक्टोरियल। द प्रोबेबिलिटी दैट नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, क्या दिमाग में आता है? कोई बोलेगा? सो गैप क्रिएटिंग, गैप मेथड। गैप मेथड, तो भैया लगा गैप मेथड। पहले किसको बिठाऊं? बॉयज। बॉयज। बॉयज बिठा देता हूं। कितने बॉयज हैं? सिक्स। छह बंदों को बिठा दिया चेयर में, कितने तरीके से? सिक्स फैक्टोरियल। सिक्स फैक्टोरियल। सिक्स बॉयज इन चेयर। हाँ, कितना? सिक्स फैक्टोरियल। हाँ, सर्कल में बिठा रहा है या रो में बिठा रहा है? ओके सर, फाइव फैक्टोरियल। फाइव फैक्टोरियल। फाइव फैक्टोरियल। अब एम्प्टी स्पेस कितना गिरा? सिक्स। एक दो, उसमें से कितने बंदे को बिठाना है लड़कियों को? फोर। 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 सिक्स एम्प्टी में फोर गर्ल्स को बिठाना है, कितने तरीके से? सिक्स पी फोर। अब याद है ये वाला चीज तुम्हारा सर्कुलर नहीं होगा, क्योंकि लड़कियों का पोजीशन रिलेटिव है लड़कों के रेस्पेक्ट में, तो वो देख लेना। हाँ, थ्योरी बाद में किसी को डाउट है तो। फाइव फैक्टोरियल इंटू सिक्स पी फोर, खेला खत्म। आज यहीं पे छोड़ रहा हूँ। हाँ, ये मेरा फेवरेबल हो गया, ये मेरा सिंपल हो गया, दोनों को डिवाइड कर दो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, देख लेना, या पीडीएफ में भी भेज दूंगा तुम लोग को। ठीक है, तो आज मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, आज डाउट क्लियर नहीं करूंगा। ओके, बाय। बाय सर। बाय। बाय सर।